हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? आई थिंक वी हैव स्टार्टेड एंड अंडरस्टूड द इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट. क्लीवेज हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट? यस द बॉयज एंड द गर्ल्स. या गुड. चलो क्लीवेज के आगे का पढ़ना चालू कर देते हैं. ओके सर, उसका ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन में एक्चुअल में का ऑपरेशन, अरे गौरव उसका ऑपरेशन होता है मतलब दैट पर्टिकुलर बैग इज बेसिकली रिमूव्ड. सो इफ आई हैव टू शो यू दिस वन. ओके सो दिस इज यूटरस ना, ये वाला यूटरस है ना, सो दिस इज रिमूव्ड. तो ये पूरा पार्ट को निकाल देते हैं. ओके एंड दिस ट्यूब्स आर केप्ट इंटैक्ट. कभी कभी ऐसे एक्चुअली रख नहीं सकते लेकिन ठीक है, कर सकते हैं उसको. ओवरीज विल बी केप्ट इंटैक्ट, रेस्ट कैन बी रिमूव्ड, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ द यूटरस. मैंने बताया था आप लोगों को ये शुरू में, इधर यू रिमूव द यूटरस सो दैट्स कॉल्ड एज हिस्टरेक्टॉमी, या फिर आप यूटरस निकाल दो, फेलोपियन ट्यूब्स निकाल दो, ओवरी निकाल दो, सो दैट्स कॉल्ड एज हिस्टरेक्टॉमी विद बायोलैटरल साल्पिंग को ओवरेक्टॉमी. दैट इज द नेम ऑफ द सर्जरी, हिस्टरेक्टॉमी विद बायोलैटरल साल्पिंग को ओवरेक्टॉमी, ऐसा नाम होता है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. हम लोग अभी क्लीवेज तक हम लोगों ने देखा था, लाइक यू नो वंस द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन फ्यू आवर्स द सेल डिवीजन ऑफ द जायगोट विल स्टार्ट एंड द जायगोट इनिशियली विल अंडरगो फोर इंपॉर्टेंट सेल डिविजन्स, फोर क्लीवेजेस. सो फर्स्ट क्लीवेज विल गिव राइज टू टू सेल्स, सेकंड क्लीवेज विल गिव राइज टू फोर, थर्ड विल गिव राइज टू 8 and 4th will give us to 16 cells. So a 16 cell structure is formed here, that's called as morula. Okay, so a ball of cells having how many cells? 16 cells. So that 16 cell structure is known as the morula. To the uterine cavity, and as it is moving from fallopian tube into the uterine cavity, the entire mechanism of cell division is taking place. And since these cells, zygote will divide four times, the first four divisions are known as the cleavage. Now, this 16 cell human embryo is, if it is kept on a pin, like you know, 4 days after the fertilization, 4 din ke baad, this is how it will look like. Ye microscopic photo hai. तो पिन के ऊपर हमने ये 16 सेल स्ट्रक्चर रखा है. सी द साइज, सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ अ टिप ऑफ अ पिन. ये इतना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? टिप ऑफ पिन का जितना साइज रहेगा उतना इसका साइज रहता है, ठीक है? नाउ ईच सेल हियर इज नोन एज द ब्लास्टोमियर. हर एक सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर, एंड दिस हैज अ कैपेसिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो. मतलब हर एक सेल से पूरा एम्ब्रियो बन सकता है, लेकिन ये सारे सेल्स मिलकर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? पहला स्टेप देखा जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेकंड स्टेप हमने देखा जब द सेल डिवीजन स्टार्टेड इन द जायगोट. जब जायगोट का सेल डिवीजन चालू हुआ तो पहले 4 सेल डिवीजन हुए, सो वी कॉल दैट एज व्हाट? वी कॉल दैट एज क्लीवेज, ठीक है? क्लीवेज होने के बाद 16 सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एंड दैट 16 सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज द मोरुला. ओके सो इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस, एंड द सेल्स ऑफ द मोरुला आर नोन एज द ब्लास्टोमियर. नेक्स्ट स्टेज नाउ. सो क्लीवेज इज बेसिकली इनडिटर्मिनेट इन नेचर, मतलब ये होते ही रहता है, इट इज कंपल्सरी इसेंशियल. अभी क्या होता है ना, समटाइम्स इट हैपेंस दैट द फर्स्ट क्लीवेज टेक्स प्लेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल जायगोट था, जायगोट के अंदर पहला क्लीवेज हो गया लाइक दिस. पहला क्लीवेज होने के बाद समटाइम्स इट माइट हैपन दैट दिस सिंगल ब्लास्टोमियर डेवलप्स एज अ जायगोट, दिस ब्लास्टोमियर ऑल्सो डेवलप्स एज अ जायगोट, एंड अगेन इट विल अंडरगो क्लीवेज. तो मतलब क्या हो गया, एक ही जायगोट से दो अलग जायगोट बने और उसमें से एक इंडिविजुअल बना और दूसरा इंडिविजुअल बना. एंड सिंस दिस टू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम स्पर्म एंड सेम ओवम, देयरफॉर वी कॉल दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दिस टाइप ऑफ ट्विंस एज द आइडेंटिकल ट्विंस. तो इस तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ये छोटा एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बाद में भी ऑफकोर्स पढ़ेंगे. चलो मोरुला हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द मोरुला इज नोन एज मोरुलेशन. तो ये भी हमारा हो गया. अभी मोरुलेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट्स कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन, मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला. तो अभी ब्लास्टुला बनेगा तो क्या होता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. एक मिनट.
चलो अभी जब ये प्रोसेस होता है, ये मैकेनिज्म होता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस। द मैकेनिज्म ऑफ ब्लास्टुलेशन, जैसे मैंने बताया कि ऑल दी सेल्स हियर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ईच सेल इज नोन एज द ब्लास्टोमियर। हर एक सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। इतना सिर्फ याद रखो फिलहाल के लिए, दैट एवरी सेल हियर इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोमियर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। एक मिनट, मेरा ये मोबाइल थोड़ा एडजस्ट नहीं। ओके, सो ईच सेल इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोमियर। अभी ये कैसे बनता है, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस। अभी क्या होता है ना, सेल डिवीजन विल कंटिन्यू। जैसे यहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन हुआ था, जायगोट यहाँ पे बन गया। सपोज हियर समवेयर हियर इन दिस रीजन जायगोट इज फॉर्म, इट हैज स्टार्टेड अंडरगोइंग सेल डिवीजन। सो दिस इज फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज एंड फोर्थ क्लीवेज। ओके, एंड देन ग्रेजुअली इट इज पुश्ड इनटू द यूटेराइन कैविटी। तो धीरे धीरे यूटेराइन कैविटी में आएगा। नाउ द आउटर सेल्स ऑफ द मोरूला स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग मिल्क एंड फॉर्म्स अ लेयर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। यानी बाहर की तरफ ये पूरा ट्रोफोब्लास्ट का लेयर बनना चालू हो जाएगा। मतलब ट्रोफोब्लास्ट भी कहाँ से बना है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द ब्लास्टोमियर्स ओनली। कौन से ब्लास्टोमियर्स, आउटर लेयर, ये बाहर का जो पूरा लेयर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर में, ये वाला स्ट्रक्चर में पूरा बाहर का जो लेयर रहता है ना, दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द लिक्विड फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी एंड देन दे स्टार्ट बिकमिंग अ लेयर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इट्स अ लेयर विच विल नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो, बट इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। तो वो एम्ब्रियोजेनिक सेल्स नहीं रहेंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। चलो देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। सो ब्लास्टोमियर्स हियर विल स्टार्ट गेटिंग रीअरेंज्ड एंड अ कैविटी कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल विल बी फॉर्म। सो एज यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म हियर नाउ इज नोन एज द ब्लास्टुला। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्लास्टुला इस तरीके से आपको दिखेगा, 16 सेल स्ट्रक्चर था, अ बॉल ऑफ सेल, उसमें से बाहर के जो सेल्स है ना, देखो उनका स्ट्रक्चर बदल गया, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स की तरह हो गया, एंड दे हैव स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग द फ्लूइड द मिल्क फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी। सो दीस सेल्स आर नाउ हियर कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स और द ट्रोफोब्लास्ट। ओके, सो ए रीअरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स फॉर्मिंग अ सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड कैविटी हियर, द प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। तो ये मैकेनिज्म को नाम दिया है ब्लास्टुलेशन। एंड the structure which is formed here is called as the blastocyst or also called as blastodermic vesicle. Yeah, I'm here. Don't worry. एक मिनट। हाँ या एक मिनट रुको जाहिर, मैं देता हूँ टाइम आपको। सो हियर द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड इट इज नोन एज व्हाट, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल और आल्सो कॉल्ड एज द ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला का ये जो बाहर का सेल्स है, जो किससे बना हुआ है, जो बना हुआ है फ्रॉम द ब्लास्टोमियर ओनली, सो इसको हमने नाम दिया ट्रोफोब्लास्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रोफोब्लास्ट एंड दीज आर द सेल, दीज आर नोन एज द एम्ब्रियोजेनिक सेल्स। ओके, तो यहाँ पे एक रीजन आ गया ना, अभी एम्ब्रियोजेनिक सेल एक साइड पे है, यहाँ पे एक कैविटी बन गया, ये कैविटी को क्या नाम दिया, दिस इज नोन एज ब्लास्टोसील। सील का मतलब आता है कैविटी फिल्ड विद अ फ्लूइड, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड रहेगा। तो ये वाला जो एंड है ना, दिस इज नोन एज, दिस वन इज एम्ब्रियोनल पोल और दिस वन इज अब एम्ब्रियोनल पोल, यानी एनिमल पोल एंड वेजिटल ऑपोजिट पोल्स का हो जाएंगे। दिस इज, दीज आर द सेल्स विच आर द एक्चुअल एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, द वन विच इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है सबको, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? क्या हो गया, मूवमेंट चालू है, सेल डिवीजन चालू है ब्लास्टोमियर्स का, बाहर के जो पूरे ब्लास्टोमियर्स थे उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब करना चालू किया फ्लूइड फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी, और वो क्या बन गए, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, जिसको नाम दिया ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर बॉल ऑफ सेल्स बनेगा, उसको हमने नाम दिया एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, और बीच में कैविटी बन जाता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्लास्टुला। सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स फॉर्मिंग अ सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। ठीक है, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर है। चलो आपको लिखना है तो यू कैन राइट दिस डाउन। ब्लास्टुलेशन एज अ हेडिंग दो,
Just give the heading as blastulation and start writing. हो गया ये लिख के। शल वी आगे बढ़े। चलो अब ये लिख लो डेफिनेशन ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड द स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टुला, ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल और ब्लास्टोसिस्ट। Finished. Please show the last slide. Take the last slide. Done, sir. Okay. एक मिनट आ जरा मुझे मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। Just give me a minute. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख के हो गया। इज दिस डन? Finished. चल ठीक है। तो नाउ ब्लास्टोसिस्ट, अभी यहाँ पे वापस डिस्क्रिप्शन है ब्लास्टोसिस्ट का। सो दीज आउटर लाइनिंग, दिस फ्लैट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आउटर लाइनिंग इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट। ओके, सो द आउटर सेल्स आर कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रोफो एक्टोडर्म। एक्टो मीनिंग आउटसाइड, डर्मा मतलब स्किन, सो इट्स लाइक आउटर लेयर। तो ये आउटर लेयर बन गया, सो इट्स कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सो ट्रोफो का मीनिंग आता है फूड, ब्लास्टा का मीनिंग आता है लेयर। अभी उसके अंदर ना वन एट वन एंड, नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। वी आर गोइंग टू हैव दिस ग्रुप ऑफ सेल्स और अ बंच ऑफ सेल्स व्हिच आर गोइंग टू डेवलप एन एम्ब्रियो। सो द इनर सेल्स, सेल मास हियर इज नोन एज द एम्ब्रियोब्लास्ट और एम्ब्रियोनल नॉ, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनिक सेल्स। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट the embryonal knob which is seen here. Okay, so ye is tarike se aapko dikhega, right? So ye pura embryogenic cells hai ya fir embryonal knob hai, embryoblast hai, and the cavity which is formed here is known as blastocoel or segmentation cavity which is filled with the uterine fluid. Jo fluid tha na humne bataya na absorb karta hai trophoblastic cells, to absorb hoke wo kidhar jayega, so it enters here in this particular cavity. Theek hai, as I said, the bunch of cells which are present at one particular end, that end is known as embryonic or animal pole, or uske opposite ye wala region, this region, so this pole is known as the subembryonic pole, or it is also known as the vegetal pole.
ठीक है, द अदर नेम इज द वेजिटल। तो इस तरीके से ये दो एंड यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट और अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला। सो इट एक्चुअली अपीयर समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से देखिएगा, तो ये बाहर का जो लाइनिंग है दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, ये वाला जो लाइनिंग है दिस आर ऑल एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, दिस वन इज द कैविटी कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल, और ब्लास्टोसिल विल बी फिल्ड विद अ फ्लूइड। ओके ठीक है, अभी ये डायग्राम ड्रॉ कर, ये आउटर मोस्ट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, दिस इज द कैविटी। ओके, फिर दीज आर द इनर मास, सेल इनर मास, सो दिस इज वन एंड कैविटी विल बी फिल्ड विथ अ फ्लूइड। ठीक है, एंड अब एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक और एनिमल पोल, अब एम्ब्रियोनिक और वेजिटल पोल, ऐसे दो अलग अलग पोल्स। ड्रॉ दिस डायग्राम एवरीवन, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। फिनिश होने के बाद
चलो हो गया, ठीक है करण। शैल वी मूव इट नाउ? गोल 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 निकालने को कितना टाइम लगता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव राइट नाउ। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, सो द ब्लास्टोसिस्ट विल अपीयर लाइक दिस। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्लास्टुला? अब ये सारे स्ट्रक्चर्स का इवेंचुअली आगे चल के क्या होगा, बिकॉज इसमें से एम्ब्रियो बनने वाला है। सो द इनर सेल मास व्हिच इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, so this inner cell mass is actually going to develop into an embryo. iska banega embryo. then comes the trophoblast. so trophoblast se kya banega? trophoblast will form the extra embryonic membrane. now extra embryonic membrane meaning these are the membranes or the coverings which are formed around the embryo, jo embryo ke bahar se covering banayega, to usse wo trophoblast se banega. okay, so and of course then the other structure, jaise for example amnion, chorion, allantois, yolk sac, to ye sare structures these are all called as the extra embryonic membranes. to ye trophoblast se banega. kya kya banega? amnion banega, chorion banega, allantois banega and yolk sac. so this is all formed by the trophoblast and then of course this is going to give nourishment to the embryo. And plus trophoblastic cells will also help in the very important mechanism known as implantation. Now, what is implantation? It is nothing but when the embryo gets buried deep inside the endometrium. Abhi implantation bhi animal pole se hoga and not from the vegetal pole. To wo implantation karne ke liye and to make sure that it will get stuck to the wall of the endometrium, so there are different types of lining of cells which is formed by the trophoblast itself. Okay, and these cells will help in the entire mechanism of implantation. So that is the fate of the trophoblast. So, pura trophoblast ka fate rahega. Okay, as I said, the trophoblast cells in contact with the embryonal knob are known as the cells of Ruber. Jo embryonal knob, yani yahan pe bhi agar dekhoge, to ye wale jo cells, these cells. These are the cells which are in close contact with the embryonal knob. So they are known as the cells of Ruber or cells of Ruber. Okay, so that is the name given. पहले ये information लिख लो. When I say extra embryonic membrane, मतलब क्या क्या आएगा? Amnion आएगा, chorion आएगा, allantois आएगा और yolk sac आएगा. Write down first. The heading is fate of the structures of blastula. Blastula के structures का आगे चल के क्या होने वाला है? Just write this down. होने के बाद बोल दो मुझे। ये दो पॉइंट भी लिख लो। इट नरिशेस द एम्ब्रियो, द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स विल नरिश द एम्ब्रियो एंड प्लस हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। Okay, chalo. I hope everyone has written this down, right? So this is how the blastula will further develop. And now, as I said, the cells of the trophoblast, which are near the embryonal knob, which are near the embryonic cells, those cells are known as the cells of Ruber. A very important question which can be asked in the MCQ. Okay, MCQ के लिए important question is cells of Ruber. What are cells of Ruber? So these are the cells of the trophoblast near
the embryonal knob. Okay, just write this information down. चलो ना अभी क्या होता है ना, अभी लेयर जो बाहर का बन गया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द आउटर लेयर व्हिच इज फॉर्मड इज द ट्रोफोप्लास्ट, जिसका सबसे पहला काम क्या रहेगा टू फॉर्म द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स. तो उसमें से कुछ मेम्ब्रेन ऐसे जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे. बट नाउ टिल द टाइम द ब्लास्टुलाइट फॉर्म वी नो दैट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस एंटायर वॉल ऑफ सेल्स इज डन बाय द जोना पेलिसिडा. तो ब्लास्टुला जब बनता है ना तो दैट टाइम द जोना पेलिसिडा विल बी लॉस्ट. तो यहाँ पे जोना पेलिसिडा चला जाएगा बिकॉज नाउ इट इज टेकन ओवर बाय द फंक्शन ऑफ द जोना पेलिसिडा इज टेकन ओवर बाय द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, राइट. सो द जोना पेलिसिडा डिसअपीयर्स एंड द ब्लास्टुला इंक्रीजेस इन वॉल्यूम एंड साइज. तो कितना बढ़ेगा, राइट फ्रॉम 0.15 mm टू ऑलमोस्ट 0.30 mm. एंड द ब्लास्टोसिस स्टेज इज रीच्ड द 5 days ऑफ फर्टिलाइजेशन. मतलब दिस एंटायर चेंजेस वेयर द जोना पेलिसिडा विल बी लॉस्ट एंड द साइज ऑफ द ब्लास्टुला एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लास्टुला विल इंक्रीज, दिस विल टेक प्लेस इन नेक्स्ट 5 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, राइट. सो दिस इज द चेंज विच इज फाउंड इन द ब्लास्टुला, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन एज एन एमसीक्यू, विच इज द स्टेज वेयर द जोना पेलिसिडा डिसअपीयर्स. जोना पेलिसिडा डिसअपीयर्स वंस द ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला इज फॉर्म. Why zona pellucida disappears? Because its function is now taken over by trophoblast. That is why. Okay, just write this down. अच्छे से समझ लो, ये थोड़ा सा confusing है, आगे चल के और ज्यादा complicated होते जाएगा. Okay, तो थोड़ा ध्यान दो. Once again, I am repeating here the entire condition. Zygote यहाँ पे बन गया. Zygote has undergone 4 cell divisions, जिसको हमने नाम दिया है cleavage. Cleavage से एक 16-celled structure बना. That 16-celled structure is known as morula. Morula then gets converted into a structure known as blastula. मतलब जब तक मोरुला रहेगा तब तक जोना पेलिसिडा रहता है. नाउ व्हाट इज ब्लास्टुला, तो ब्लास्टुला के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे. तो उसमें एक लाइनिंग आता है ब्लास्टुला का विच इज द आउटर मोस्ट लाइनिंग नोन एज ट्रोफोब्लास्ट. फिर यहाँ पे बंच ऑफ सेल्स रहेगा विच विल बी प्रेजेंट एट वन एंड दैट इज नोन एज दैट दोस सेल्स आर नोन एज एम्ब्रियोनिक सेल्स, द वन विच आर गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो. और उसके अंदर एक कैविटी बनेगा, इसको नाम दिया है ब्लास्टोसील, राइट. तो ये पूरा बन गया. ओके, सोना पेलिसिडा डिसअपीयर हो गया. अब ये स्ट्रक्चर का साइज कितना हो गया, द साइज हैज गॉन टू 0.15 to 0.30 mm, दैट इज द साइज. एंड व्हाट इज द डे, 5th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, ठीक है, कैसे बनना चालू हो गया. नेक्स्ट, अभी थोड़ा आगे देखते हैं. अभी क्या हुआ, ब्लास्टुला बन गया. बाय द टाइम द ब्लास्टुलेशन हैज टेकन प्लेस दिस एंटायर वॉल ऑफ सेल्स नाउ हैज एंटर्ड इन द यूटेराइन कैविटी. नाउ इनसाइड द यूटेराइन कैविटी इट विल गेट, इट विल बी स्टिल अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, बट इट हैज टू गेट बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम सो दैट ऑल द सेल्स विल बी सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. Because now this is the wall of cell which is going to develop a young one. इसमें से young one तैयार होने वाला है, ठीक है? So please show black slide. Black slide किधर है राहत? Back side slide. Okay, so I was saying that this entire wall of cell should be buried inside the endometrium so that it will be surrounded by the network of capillaries. क्यों? क्योंकि इसमें से ही डेवलप होने वाला है द यंग वन और अ न्यू इंडिविजुअल. सो इट शुड इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ नरिशमेंट. सो फ्रॉम वेयर दिस नरिशमेंट विल बी टेकन, द नरिशमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द मैटरनल स्ट्रक्चर. सो इसके लिए एंडोमेट्रियम में ये बरी हो जाता है. सो प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. सो 6 to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन
6 to 7 days after fertilization, the blastocyst gets attached deep inside the wall of the uterus. Okay, so ye kya ho jata hai? This blastocyst will actually get buried inside the endometrium, and this entire mechanism is known as implantation. Okay, so the next important stage which is formed here is now the implantation. So dekho, sabse pehle aayega fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा zygote formation, यानी zygote हो गया, तो zygote का होगा first four divisions, that's called as cleavage. Cleavage होगा तो उससे बनेगा small of cells called as morula. Morula will rearrange, the cells of morula will rearrange to form the blastula. Blastula का होता है next stage, that is implantation. So by 6 or 7 days after the fertilization, this entire blastocyst will get buried inside the endometrium. And the process is called as implantation. Okay, write this down now. Okay, chalo, I hope everyone has done with this. Karan is asking me, sir, bio ka test ka level easy hai kya? Mere liye to easy hai bhai. Abhi aap log apna dekh lo. Theek hai, so mere liye to paper ekdam easy. Karan, aap to paper de diya na? To abhi bola tha ki paper tha iske liye main late aaya. Ha Karan? Okay, chalo, this entire process implantation also called as the nidation. Okay, as a physics of chemistry, okay. So this mechanism is also called as the nidation, implantation or nidation, N-I-D-A-T-I-O-N. Another important word for MCQ. Yaad rakho, implantation is also called as the nidation. Dekhte hain implantation ka mechanism. Now this is the typical structure of the blastocyst or blastula. This blastula will get buried inside the endometrium. So ye is tarike se dikhna chalu ho jayega. Matlab there will be a time when this entire ball of cells will be lost. Matlab pure female reproductive tract mein aapko ye ball of cells kahi nahi milega, gayab ho jayega. Correct? Na wo aapko fallopian tube mein dikhega, na wo uterine cavity mein milega, because it is buried inside the endometrium. So aisa ye stage hai implantation ka. Now the cells of the trophoblast which are exposed to the endometrium, correct, jaise ye cells hai ट्रोफोब्लास्ट के, तो इनका बाहर का जो लाइनिंग रहता है, आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, सो दैट इज एक्सपोज्ड टू द एंडोमेट्रियम, व्हिच इज स्पेशली एट द एम्ब्रियोनिक पोल, विल स्टार्ट रिलीजिंग अ लाइटिक एंजाइम. तो उसमें से एक लाइटिक एंजाइम रिलीज होना चालू हो जाता है, सो दैट द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम इन दैट रीजन ओनली विल गेट डिसॉल्व. And this entire ball of cells will now start moving inside the endometrium. So endometrium ke andar jana chahiye.
ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है यहाँ पे. सो दीज सेल्स, जैसे अब यहाँ पे देखो सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन होने के बाद ये वाले जो सेल्स बने हैं ना, सो ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स एट एनिमल पोल विल स्टिक टू द यूटेराइन वॉल एंड इट स्टिम्युलेट्स अ रैपिड सेल डिवीजन. तो वो चिपक जाएंगे, चिपक जाने के बाद दे स्टार्ट अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन एंड देन दे फॉर्म द टू लेयर्स. तो इसके दो लेयर्स बनेंगे. ओके सो दिस वन इज द आउटर लेयर जिसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ये डिस्टॉर्टेड रहेगा, बट दैट इज द आउटर मोस्ट ट्रोफोप्लास्टिक लेयर. और ये वाला जो रहेगा, सो दिस आउटर मोस्ट ट्रोफोप्लास्टिक लेयर इज नोन एज सिंसाइटियो ट्रोफोप्लास्ट. मतलब ट्रोफोप्लास्ट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सेल्स ऑफ द ट्रोफोप्लास्ट लाइक दिस, ओके, विच आर प्रेजेंट एट द एम्ब्रियोनल एंड. नाउ दिस एंड विल गेट स्टक टू द वॉल ऑफ द यूटेराइन कैविटी. इसका सेल डिवीजन होता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स बनना चालू हो जाएंगे. सो दिस सेल लाइनिंग इज गोइंग टू फॉर्म द आउटर लाइनिंग ऑफ द ट्रोफोप्लास्ट कॉल्ड एज द सिंसाइटियो ट्रोफोप्लास्ट एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रोफोप्लास्ट द ओरिजिनल वन विल बी नाउ कॉल्ड एज साइटोट्रोफोप्लास्ट. गेट इन दिस. तो यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का ये ट्रोफोप्लास्टिक लाइनिंग है, इसका डिवीजन होके ये बाहर का एक लाइनिंग बनेगा. So this outermost lining is called as the syncytial trophoblast, which is helping this entire wall of cells to get stuck to the wall of the endometrium. So chipak jayega wall ke saath. Wo bhi kaise hota hai? Because it has the podocytes. They are the type of podocytes jisko chote chote bristles ya fir legs jaise structure hote, that will act as an anchorage. Okay, to anchorage ka kaam karege and that is how it helps in this cell. So ye cell ka lining bhi, if I have to show you one cell, ये वाले जो सेल्स है, दिस वन सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, तो ये कैसे है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को अटैच्ड है ना, तो वो सेल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इनको ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेग्स आते हैं लाइक दिस. तो ये ऐसे फ्लैट सेल्स की तरह होते हैं. दीज सेल्स आर नोन एज द पोडोसाइट्स. पोडो मीनिंग लेग, साइट मतलब सेल, ए सेल हैविंग लेग्स, एंड दीज स्मॉल स्मॉल elevations here will help in attachment to the endometrial lining. तो ये endometrial lining को attach हो. समझ में आ रहा है सबको ये? So podocytes is nothing but the trophoblastic cells which are going to form syncytial trophoblast. और जो original lining है trophoblast का, that will form the cytotrophoblast. So this is what happens during implantation. तो ये पहले ये लिख लो. इम्प्लांटेशन का ही नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज राइट दिस डाउन. फिनिश्ड. लो बात करो. चलो अभी लिख लो. सबको समझ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? स्टूडेंट्स अभी 24 है, 24 है. समझ में अगर नहीं आता है तो प्लीज पूछो, ऐसे शांत बैठे मत रहो. हम लोग भगवान नहीं है. अच्छा लिस्ट में है ना, एक मिनट. हाँ लिस्ट में आई हैव वन स्टूडेंट हुज नेम इज यश. हू इज दिस यश? पूरा नाम लिखो यश. मिस्टर यश काइंडली राइट योर एंटायर फुल नेम. रीनेम योरसेल्फ मिस्टर यश. विशाल सर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आस्किंग मी कि ये यश कौन है. विशाल सर मेरे बाजू में आके अभी खड़े हो गए लेकिन दिखेंगे नहीं. बैकग्राउंड क्या है? यश को निकाल दीजिए अगर नहीं बता. यश सो गया.
यश तेरी वजह से विशाल सर मेडिकल लैंग्वेज यूज करने लगे हैं. इफ द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग मीनिंग द सब्जेक्ट इज डेड. यश चलो यश कुछ रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है. आई डोंट नो हु दिस यश इज. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. लेट इट बी, जो भी रहेगा भगवान उसका भला करे. नेक्स्ट इम्प्लांटेशन का ही प्रोसेस. बस दो लाइनिंग बन गया ट्रोफोब्लास्टिक सेल का. अभी देखो आप डायग्राम देखोगे ना, सो द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स विच आर नियर द एम्ब्रियोनिक सेल्स ओनली हैव अंडरगॉन सेल डिवीजन. जो बाहर का जो है दैट हैज नॉट अंडरगॉन सेल डिवीजन, वो अभी भी सिंगल लाइनिंग ही है. मतलब वो वैसे के वैसे रहेगा. So only that bunch of cells will undergo the cell division to form the outer linings inside your trophoblast and the inner lining called as cytotrophoblast. So the cytotrophoblast cells retain their cell membranes. Unka cell membrane as it is rehta, it doesn't get distorted. But since cytotrophoblast will not retain its cell membrane, instead it's going to lose its membrane. And when it loses its membrane, it appears multinucleated. तो ऐसे लगता है कि multinucleated एक ही सेल है जो पूरा ऐसे पसर गया है, ठीक है, फैल गया है. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखना चालू हो जाता है. So cytotrophoblast now will continue and develop into a structure known as amnion. आपने कभी सुना होगा नाम amniotic sac cavity, amniotic sac, ऐसा आपने सुना होगा. तो यहाँ पे इसने बनाना है amnion. Cytotrophoblast will in future form the amnion, whereas the cells of the syncytioblast will lose their cell membrane and then they start appearing like a multinucleated cells. तो इस तरीके से पूरा एक ही सेल लगता है, ऐसा लगता है कि एक ही सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिय है, ऐसे ही दिखना चालू हो जाएगा. एंड देन इट स्टार्ट्स रिलीजिंग अ लाइटिंग एंजाइम एंड डिस्ट्रॉयज द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन. यानी वो पर्टिकुलर रीजन का एंडोमेट्रियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो दैट इट विल क्रिएट अ स्पेस फॉर दिस बॉल ऑफ सेल्स टू गेट बरीड इनसाइड. ओके सो देन दिस बॉल ऑफ सेल्स विल स्टार्ट गेटिंग बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम. क्लियर एवरीवन, समझ रहा है सबको ये? Yeah, so the blastula now will get buried into the endometrium and the mechanism of implantation here will be completed. Are you all getting this? Process samajh raha hai na? Aapko thoda sa imagine karna padega ki ye kaise ho raha hai. Okay, you will have to imagine everything. Theek hai? लिख लो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू राइट. ये सब मैं आपको जानबूझकर लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट गोइंग टू डू, व्हाट इज सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट गोइंग टू डू. सो एवरीथिंग, एवरी सेल विल हैव इट्स ओन फेट. अपना एक फ्यूचर लेकर आए वो. तो साइटोट्रोफोब्लास्ट का फ्यूचर होता है फॉर्मेशन ऑफ एमनियन. सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का फ्यूचर होता है दैट दे विल लूज देयर सेल मेम्ब्रेन. They start forming like a multinucleated cell-like appearance and they start releasing the lytic enzyme for the implantation of the blastocyst or blastula. Finished?
होने के बाद प्लीज बोलो मुझे, यस दानिश का हो गया, गुड दानिश, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, सब सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अब जागने का वक्त आ गया है, सब लोग अभी भी सो ही रहे हैं। राज और रुचा का हो गया, गुड, लावण्या का हो गया, गुड, जायद का हो गया, गुड। जागने का समय आ गया है, 12th स्टैंडर्ड में है आप लोग। देवराज गुड, संजना गुड, ओके। और जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है विशाल सर से, वो बहुत ही ज्यादा ग्लूमी है। 200-300 टेस्ट आपके, 200 कुछ तो भी टेस्ट हो गए, उसमें से कुछ बच्चों ने 7 टेस्ट दिया, कुछ बच्चों ने 8 दिया, तो रिजल्ट कैसे आएगा? गुड करण, वेरी नाइस सभा, वेरी गुड गौरव। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव सीन द फेट ऑफ दिस टू लाइनिंग्स। सो इम्पोर्टेंट फॉर द इम्प्लांटेशन इज गोइंग टू बी द सिन साइटियो ट्रोफोब्लास्ट, ओके, बिकॉज the same cytoid trophoblast, the cells will start releasing a lytic enzyme, will start forming the space by dissolving some a particular area of the endometrium so that the blastula will get buried inside the endometrium. What is the significance of or implant significance or importance of implantation or nidation? Kya significance itka aata hai? Sabse pehla, it fixes and protects the embryo, that is blastula, उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो डायरेक्टली थ्रू द मदर्स ब्लड। क्योंकि अभी तक कहां से नरिशमेंट मिल रहा था? अभी तक नरिशमेंट मिल रहा था फ्रॉम द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द यूटेराइन कैविटी, बट दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज एज आई सेड दैट दिस एंटायर वॉल ऑफ सेल्स इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो, मतलब नया इंडिविजुअल बनने वाला, एक नई जिंदगी बन रही है, तो उसके लिए लगने वाला जो नरिशमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। And from where are we going to get this nourishment? From where these cells will get nourishment? So they can get it only through the blood. लेकिन उनका अपना खुद का blood supply है क्या? नहीं है. So naturally they are dependent on the mother's blood supply. That is why it should be surrounded by the network of capillaries. Therefore the implantation takes place. So this is the importance of implantation. Please write this down. Finished? चल गुड, दानिश का हो गया मतलब सबका हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर द ब्लास्टुलेशन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज गैस्टुलेशन। नाउ गैस्टुलेशन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक 3 जर्मलेट्स, जो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, दैट इज यू नो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे। तो गैस्टुलेशन में एक्चुअली जर्मलेट्स बनते हैं। सो द फर्स्ट टिश्यू व्हिच इज फॉर्मड इन द प्रोसेस मैकेनिज्म कॉल्ड एज गैस्टुलेशन। देखो मतलब कैसा, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, 16 सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मोरुलेशन, मोरुला डेवलप्स इनटू ब्लास्टुला कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला डेवलप्स इनटू गैस्ट्रुला नोन एज गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन से बनता है टिश्यूज, टिश्यूज से बनना चालू हो जाएगा ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुलेशन विल डेवलप और डेवलप दिस एंटायर वॉल ऑफ सेल्स इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो, ओके। लेकिन देखते हैं पहले गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है। नाउ एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एंटायर वॉल ऑफ सेल्स। नाउ दीज ऑल दीज सेल्स विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज एंड देन दे स्टार्ट मूविंग इनवर्ड। तो ये इनवर्ड डेवलप होना चालू हो जाएंगे। सो इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला, ओके। व्हेन द ब्लास्टुला गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द गैस्ट्रुला, it is called as gastrulation. Now this is all done by the rearrangement of the cell, okay. So we call this as morphogenetic movement. Cells ka hi movement hota hai, aur ye sare cells ka movement ho ke fir bunch of cells, group of cells will start forming the tissues. To ek ek tissues banna chalu ho jayega, matlab sabse pehle cells ka movement, jo jo bhi cells ek dusre ke sath jama ho ke ban gaye, wo sare cells kya banana chalu kar diya, ek ek tissue.
तो तीन टिश्यूज बनेंगे, कौन कौन से? सबसे पहला बनता है दैट इज एंडोडर्म, उसके बाद आएगा एक्टोडर्म, उसके बाद आएगा मेसोडर्म। लेकिन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वी अंडरस्टैंड दैट एज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो आउटसाइड, मेसो मिडल, एंडो इनसाइड। ओके, सो इस तरीके से ये गैस्ट्रुलेशन का मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स। तो यहाँ पे तीन जर्म लेयर्स बनना चालू हो जाए। प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट्स, राइट डाउन द हेडिंग एज गैस्ट्रुलेशन, व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन एंड हाउ इट टेक्स प्लेस। प्लीज राइट दिस डाउन। किसी को भी अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, कितना भी बकवास, खराब, गंदा, भद्दा सा सवाल हो, प्लीज आस्क। डू नॉट होल्ड योरसेल्फ, डोंट स्टॉप। मॉर्फोजेनेटिक मतलब सेल्युलर मूवमेंट, दानिश। सेल्स ऐसे मूव होना चालू हो जाएंगे एंड देन दे स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर। वो क्या होता है वो आगे आएगा अभी वापस, हाँ पढ़ने वाले, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन जस्ट शुरू किया हमने। Shall we? चलो आगे बढ़ते हैं ना। What are these three layers formed? So these three germ layers are formed. कौन कौन सा? Ectoderm, mesoderm, endoderm. Ectoderm is considered as, thank you. Ectoderm is considered as the outermost layer, mesoderm is middle layer and endoderm is inner layer. वैसे ये तीन layers बनना चालू हो जाएंगे। कैसे बनते वो थोड़ा सा अभी पढ़ते। So this entire mechanism will be completed by the 15th day after fertilization. So by 15th day of the fertilization, we have already formed the tissues. तो आप imagine करो कि आपका ऐसा development हो रहा है inside the mother's womb. Ectoderm is not skin. हाँ, यानी ectoderm is going to form the skin. Course, लेकिन एक्टोडर्म से और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। We will study that, Trish. हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है। पहले ये टिश्यूज बनते कैसे हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? अभी तक हमने पढ़ा कि ब्लास्टुला हुआ था, ब्लास्टुला के सेल्स का रीअरेंजमेंट चालू हो जाता है तो वो बनना चालू करेगा गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला से बनते हैं ये तीन जर्म लेयर्स, ठीक है? Now this all occurs within the endometrium of the uterus. क्योंकि अभी क्या हुआ है, implantation हो गया ना, so this mechanism is after the implantation has taken place, right? तो देखते हैं कि एक एक करके ये कैसे होता है। Now first is the first layer which is formed is the endoderm, यानी innermost layer forms first. So how the formation of the endoderm takes place? So the first germ layer which is known to appear here is the endoderm. Last slide, Sally. चलो हो गया, हो गया, साहिल का हो गया। चलो ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ द एंडोडर्म विल बी प्रोड्यूस्ड। इट इज द फर्स्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्मड हियर। अभी देखो थोड़ा ध्यान दो इधर। नाउ द मूवमेंट ऑफ द सेल्स विल टेक प्लेस। नाउ व्हिच आर द सेल्स व्हिच आर गोइंग टू मूव? कैन एनीवन टेल मी कौन से सेल्स का मूवमेंट होगा? बोलो जल्दी। ट्रोफोप्लास्टिक सेल, सिंसाइटोट्रोफोप्लास्ट, या फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, कौन से सेल्स का होगा? या फिर एम्ब्रियोनिक सेल्स, कौन से सेल्स का होगा मूवमेंट अगर हो रहा है तो? और मूवमेंट किसके लिए हो रहा है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर दैट इज एंडोडर्म। तो एंडोडर्म बनाने के लिए कौन से सेल्स का मूवमेंट होगा? बोलो जल्दी,
लिखो, बात करो, मैंने माइक का ऑप्शन दिया कुछ लोगों को। हेलो, जोकलेट सर, फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एंडोडर्म का। एंडोडर्म इज अ टाइप ऑफ जर्म लेयर, मीनिंग इट्स गोइंग टू डेवलप इनटू अ यंग वन ना, फॉर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द यंग वन विल डेवलप फ्रॉम दैट। नाउ व्हिच आर द बंच ऑफ सेल्स व्हिच आर गोइंग टू डेवलप अ यंग वन, सो दैट इज एम्ब्रियोजेनिक सेल्स। सो मतलब कौन से सेल का मूवमेंट चालू हो जाएगा? तो सेल का मूवमेंट चालू होगा दैट इज एम्ब्रियोजेनिक सेल्स। सो द बेसल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो ब्लास्ट टुवर्ड्स द ब्लास्टोसेल, टुवर्ड्स द ब्लास्टोसेल विल स्टार्ट गेटिंग डिफरेंशिएटेड एंड बिकम्स द फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। ओके, कैसे? जैसे यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, अभी मैं डायग्राम निकाल के आपको दिखा रहा हूं। सो ये पूरा ऐसा ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है, दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एंडोमेट्रियम। वी हैव द एम्ब्रियोजेनिक सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द वन एंड लाइक दिस। तो ये पूरा ऐसा एम्ब्रियोजेनिक सेल्स है जो एक एंड पे है। सो दीज सेल्स, अब ये कैविटी है, बराबर है, दिस इज द कैविटी। तो ये वाली जो सेल्स है बाहर की तरफ, दीज सेल्स दे स्टार्ट बिकमिंग फ्लैट। तो यहाँ पे कुछ सेल्स इस तरीके से ऐसे फ्लैट एपिथेलियल सेल्स बनना चालू हो जाएंगे। ओके, सो द सेल्स विच आर टूवर्ड्स द ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील है तो ये वाले सेल्स, सो दीज सेल्स, सो दीज सेल्स विल स्टार्ट गेटिंग डिफरेंशिएटेड एंड बिकम्स फ्लैट। एंड व्हेन दे बिकम फ्लैट दे आर एक्चुअली अरेंज्ड एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ दिस एंटायर बॉल ऑफ सेल्स। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनना चालू हो जाएगा। सो द सेल्स ऑफ द एंडोडर्म मल्टीप्लाई रैपिडली एंड देन दे स्टार्ट गेटिंग अरेंज्ड डाउनवर्ड्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला लाइनिंग है तो ये ऑलमोस्ट सेंटर पे है और ये इतना ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। मूव कहाँ से हुआ? फ्रॉम दिस रीजन, इधर से ऐसे नीचे की तरफ मूव हुआ। मूव होने के बाद वो सेंटर पे आ गया, धीरे 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 नीचे आ गया और रुक गया, और उसके सारे सेल लाइनिंग यहाँ से डेवलप होना चालू हो गया, इधर से डेवलप होना चालू हो जाएगा। करेक्ट, एंड देन स्टार्ट्स फॉर्मिंग अ लाइनिंग लाइक दिस। तो ये पूरा ऐसा लाइनिंग बना दिया उसने। लाइनिंग ऑफ व्हाट? लाइनिंग ऑफ द ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल को अंदर से पूरा कवर कर देगा। सो अलोंग द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल। करेक्ट, तो ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल से उसके पूरे बाहर इस तरीके से ये लाइनिंग बनाना चालू कर देगा। एंड दिस एंडोडर्म ट्यूब इज नाउ फॉर्म्स अ प्रिमिटिव गट और आल्सो कॉल्ड एज द आर्केंटेरॉन। तो यहां से बनेगा आपका प्रिमिटिव गट, ये वाला पूरा पोर्शन, तो ये प्रिमिटिव गट बनाना चालू कर देगा। जो ब्लू कलर से मार्जिन निकाला हुआ है, इफ यू सी हियर लाइक दिस, तो यहाँ पे ऐसे प्रिमिटिव गट बनना चालू हो गया। गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ? पूरा ऐसा बंच ऑफ सेल्स है, बंच ऑफ सेल्स से कुछ सेल्स ऐसे नीचे आ गए, थोड़े से नीचे के सेंटर पे रुक गए। सेंटर पे रुकने के बाद उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने फ्लैट सेल्स बना दिए, तो उसको नाम दिया एक्टो एंडोडर्म। फिर वो सारे सेल्स ऐसे मल्टीप्लाई होकर बाहर की तरफ आ गए एंड स्टार्टेड फॉर्मिंग द लाइनिंग जस्ट इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट। तो पूरे ट्रोफोब्लास्ट के अंदर से उन्होंने लाइनिंग बना दिया, सो दैट इज नोन एज, नाउ नोन एज द प्रिमिटिव गट और आर्केंटेरॉन। ठीक है, सो द स्मॉल ट्यूब विल बी फॉर्मड हियर, सो दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज द प्रिमिटिव गट और आर्केंटेरॉन। प्लीज राइट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन द इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ। तो ये एमसीक्यू के लिए फिर से आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, जस्ट राइट दिस डाउन फास्ट।
हो गया फिनिश्ड, चलो गुड, सुरभि का हो गया मतलब सबका हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ. नाइस गुड, चलो दानिश का भी हो गया, फटाफट आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहो. गुड, राहत इज डन. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी देखो एंडोडर्म बना रहे हम लोग, ठीक है. इमेजिन करो कि ये आप हो, विच इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड दिस इज हाउ यू आर गेटिंग फॉर्म. तो आप इस तरीके से बन रहे हो. ओके, तो सबसे पहले ये एंडोडर्म बनना चालू हो गया. नाउ द कैविटी विच इज फॉर्म्ड हियर, अभी ये पूरा लाइनिंग इधर से आ गया, ठीक है, जो क्या बनाने वाला है, प्रिमिटिव गट, बराबर है. तो ये पूरा ऐसा प्रिमिटिव गट बनाएगा, तो इधर कैविटी बन गया. So this entire cavity which is formed here is known as the gastrocele. So matlab blastocele now will get replaced by gastrocele. Okay. So earlier the same cavity was called as blastocele, but now because of the endodermal lining, it is now called as the gastrocele. Why? Because this is the time when the gastrulation has started. Matlab structure badal gaya. इसका मतलब इसका कैविटी का नाम दिया है, उसको नाम दिया है गैस्ट्रोसिल. बाकी फंक्शन वही रहेगा, बट रिमेम्बर यहाँ पे सिर्फ पहले क्या बना हुआ है, पहले सिर्फ बना हुआ है एंडोडर्म. अभी तक आगे के दो लेयर्स जो है, कौन से, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, वो अभी तक बने नहीं है. ये भी पॉइंट लिख लो फटाफट. चलो हो गया मेरे ख्याल से, somebody has written done. चलो गुड, राज भी हो गया, वेरी गुड. आगे बढ़ते ना, द एंडोडर्म इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर, सो द लाइनिंग विच इज इन द सेंटर, क्लोज टू सेंटर हियर विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. व्हाई एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म? बिकॉज दीज आर द सेल्स ऑफ द एंडोडर्म विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, जिसे एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है. रिमेनिंग एंडोडर्म हियर will form the primary yolk along with the trophoblast. मतलब यहाँ पे जितने भी endodermal lining ये वाला बनेगा, तो उसमें से क्या बनने वाला है, उसमें से बनने वाला है primary yolk along with the trophoblastic cells. Correct? तो trophoblastic cells के साथ ये primary yolk बनाना चालू कर देगा. And a sac which encloses a fluid and not the yolk. सैक बनेगा, लेकिन उसमें योक नहीं रहता है, उसमें रहता है फ्लूइड. ओके, बिकॉज ह्यूमन से ह्यूमन एग सेल और ह्यूमन डेवलपमेंट में एम्ब्रियो डस नॉट कैरी योक, क्योंकि नरिशमेंट जो ह्यूमन सेल्स को एम्ब्रियो को मिलता है, वो मिलता है मदर के ब्लड से, नॉट फ्रॉम द योक. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी योक, बट इट डजंट कंटेन. आज का लेक्चर 5 बजे तक, देवराज, आज का लेक्चर 5 बजे. चलो लिख लो फटाफट, मुझे आज ये खत्म करना है गैस्ट्रुलेशन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रेगनेंसी डिलीवरी खत्म, चैप्टर इज डन. नो, प्राइमरी योग एंड फ्लूइड इज डिफरेंट साइमा. प्राइमरी योग, व्हेन वी से प्राइमरी योग विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, this fluid will not typically provide the nourishment, a kind of nourishment which is required for the cells. Okay, thoda sa farak rahega, functions mein farak rahega.
चलो हो गया. Which next chapter will start? Next chapter, Ganesh, which we are going to start is the इसका ही reproduction का ही part बाकी है ना कुछ तो भी reproductive health वाला. वो खत्म होने के बाद then we'll shift to evolution. Okay, evolution की तरफ shift करेंगे. चलो अभी देखते हैं. Endoderm पहले बन गया. Endoderm के दो lining बने. तो उसमें से embryonic endoderm is going to be important, which is near the embryo and that is going to take part in formation of the different structures of the young one. Now, after formation of the endoderm comes the next layer that is called as ectoderm. Abhi endoderm to already ban gaya, jo beech mein hai, center mein hai. Theek hai? Now, the other cells of the embryoplast will also start moving towards the center. Wo wapas center ki taraf dheere dheere shift hona chalu ho jate hai. And then they turn into a columnar cells, especially towards the trophoblast. They will start changing their shape and becomes columnar and compact. So this is how they start becoming. So ye wala line, theek hai? To ye wapas jo endoderm bana hai, uske nazdik aake se shift ho gaya, and then they started becoming a columnar cells. Now these columnar cells which are formed here is nothing but the ectoderm. So yahan pe ban gaya ectoderm. Matlab aap dekhoge to endoderm, this is endoderm, this one is ectoderm, dono saath mein aa gaye. तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया. दिस इज गोइंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. लेकिन जब इनका मूवमेंट हो रहा है सो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज कैविटी व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर. तो ये एक कैविटी बना, ये एक कैविटी बना. ओके, सो द स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक, सो दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस वन इज एंडोडर्म. और ये दोनों मिलकर ऐसा एक एम्ब्रियोनल डिस्क बनाना चालू कर देते. सो इट लुक्स लाइक अ डिस्क एंड दिस डिस्क व्हिच इज फॉर्मड हियर विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक डिस्क. तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम लोग ऐसे एक छोटे से फ्लैट डिस्क की तरह होते हैं व्हेन वी आर डेवलपिंग इनसाइड द मदर्स. ओके, सो दिस डिस्क व्हिच इज फॉर्मड हियर इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डिस्क. उसके आजू बाजू में दो कैविटीज है. तो ये वाला एक कैविटी है, ये दूसरा वाला कैविटी. उसमें से दिस कैविटी इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स गोइंग टू नरिश द यंग वन. सो द फ्यूचर एम्ब्रियो प्रॉपर दैट इज बेबी डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डिस्क. तो ये डिस्क से ही फ्यूचर एम्ब्रियो बेबी डेवलप होने वाला, ये वाला. तो बाकी के जितने भी सेल्स आएंगे ना आजू बाजू में, दीज आर ऑल नोन एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब सेल्स अदर देन एम्ब्रियो. क्लियर क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर. गुड, चलो अभी ये लिख लो पहले. प्लीज राइट दिस डाउन. Yes, it has nothing to do with evolution, Sahil, but this formation of the disc is going to be important because it's going to develop into a tube. ऐसा वो पूरा ऐसा disc है, जैसे अभी मेरा हाथ अगर देख रहा है आपको वीडियो में, तो ऐसा disc है. धीरे 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 cell division होता है ना, तो ये पूरा ऐसा जमा हो जाता है and then it starts forming a tube. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं this one is the tubular form of the embryo, right? जिसमें से structures बनना चालू हो जाए. करेक्ट. तो एवोल्यूशनरी पैटर्न में उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूरे बॉल ऑफ सेल्स में बीच में इस तरीके से बैठा हो. तो आप इमेजिन करो ना, यहाँ पे ये जो एक्टोडर्म बना है, सो दिस वन एक्टोडर्म, दिस वन इज एंडोडर्म, और ये पूरा एम्ब्रियोनिक डिस्क इस तरीके से बना दिया. अभी हमने क्या किया ना, इसको वर्टिकली कट करने की कोशिश की है. तो अंदर का स्ट्रक्चर आप इमेजिन करो, तो पूरा गोल लाइनिंग ही रहेगा ना ऐसा, राइट? लेकिन वो धीरे धीरे उसका भी शेप बदल जाता है, तो एम्ब्रियोनल ट्यूब बना देगा वो. तो पूरा ऐसा गोल घूमकर एक ट्यूब बन जाता है. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन.
Finished. Sure. Good. Next. So the future baby is going to develop from the same embryonal disc. Okay. Now, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, very important part which we're going to learn here, formation of the amniotic cavity. अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे cells किधर थे? These cells were present here in this end. धीरे-धीरे वो move होने लगे towards the center. Now, when the ectoderm is formed, it's going to form a space. Correct? जब ectoderm के cells ऐसे middle center में ऐसे move होते हैं, so that time it's going to form a space here, and that space is present between the amniogenic cells. ये वाले amniogenic cells and the embryonic disc. Okay, so the cells, the space which is present between the amniogenic cells and the embryonic disc is known as amniotic cavity. A very important cavity which contains the amniotic fluid. करेक्ट, इसके अंदर रहता है एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू डेवलप व्हिच इज गोइंग टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, तो इसमें से एम्ब्रियो का नरिशमेंट चालू हो जाएगा. राइट, तो ऐसा ये पूरा मैकेनिज्म होगा. प्लीज राइट दिस डाउन. Finished. अच्छा, amniotic fluid नहीं बना तो क्या होगा, ऐसे जाहिर पूछ रहा है. Naturally, जाहिर, if the amniotic fluid is not formed or if the quantity of the amniotic fluid is less, then actually this fetus will not be able to grow, na? So eventually the fetus will die inside the mother's womb. Correct? So that will lead to removal of the fetal contents. So abortion bolte hain. Okay? Now, the amniotic cavity is going to be formed, and this amniotic cavity now will be filled with the watery fluid called as amniotic fluid, which is secreted by both the linings. Ye dono linings secreted hai. Kaun? Cells of the amnion or cells of the embryo. To dono se ye fluid secrete hone rehta hai, and then this fluid will help in nourishment of the embryo. To pure embryo ka nourishment aana chalu ho jayega. Because of the amniotic fluid. मतलब अभी ये वाला जो बाहर कैविटी है ना, गैस्ट्रोसिल, इसका कोई काम है नहीं. तो ये पूरा गैस्ट्रोसिल है ना, वैनिश हो जाता है, मतलब पेरिश हो जाता है, एंड देन दिस एंटायर एम्ब्रियो विल बी सीन इनसाइड द एम्नियोटिक कैविटी. तो ये पूरा एम्नियोटिक कैविटी में एम्ब्रियो रहेगा, एंड देन द फीटस विल डेवलप इनटू द एम्नियोटिक कैविटी और एम्नियोटिक सेल. ओके, राइट दिस डाउन. Finished. Done. Chalo, next. आगे बढ़ते हैं. Now, during further development, the amnion will increase in the size. जब ये धीरे-धीरे development होते रहता है, so that time the amnion will further increase in size, so that the embryo will lie suspended within it, the amniotic fluid. So it appears as if the embryo is floating in the amniotic sac containing amniotic fluid. तो पूरे fluid में ये fetus इस तरीके से float होते रहता है. ठीक है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएगा, वैसे वैसे एमनियोटिक कैविटी बढ़ते जाएगा,
And then there will be a time when the fetus is actually floating in this fluid present in the amniotic cavity, right? So an important point here which we need to remember. So it protects the embryo from the mechanical shocks as well as the dryness. क्योंकि अगर ड्राइनेस मतलब क्या है, फ्लूड अगर कम रहेगा, जैसे मैं भी बोल रहा था किसी को, अगर फ्लूड कम रहेगा तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो सैक का जो टिश्यूज है ना, वो फीटस के बॉडी को चिपकना चालू हो जाएगा. अगर ये सैक का टिश्यू फीटस के बॉडी को चिपक गया तो फीटल डेवलपमेंट विल नॉट टेक प्लेस. सो देन एक्चुअली फीटस विल डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट. उसकी वजह से फीटस का डेथ हो सकता है. सो दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल. अच्छा आगे बढ़ते हैं. सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म वी हैव सीन. Formation of ectoderm we have seen. Now what is remaining is the formation of the mesoderm. So abhi mesoderm kaise banta hai wo thoda sa dekh lete hain. Mesoderm is the middle lining. Dekho kaise hota hai. Middle lining is the lining which is going to develop at the last. So sabse aakhir mein develop hoga. Now whenever this embryonic disc is formed, you can see a small at the hind end of the embryonic disc, the cell starts proliferating and later detach and spread. Hind end matlab posterior मतलब leg वाला side, ठीक है. So वहां से ये develop होना चालू हो जाता है and this entire mechanism takes place between trophoblast and endoderm, ठीक है. So अगर आप देखोगे तो यहां से ये cell का division चालू हो जाएगा. तो अगर आप देखोगे ना तो line बना हुआ, this is known as the primitive stage and that is going to form the central axis. तो हमारे body का central axis ऐसे बनना चालू हो जाता है. But here in this region, ये वाले region में ना जो अभी रेड मार्क किया हुआ है, वो रीजन में द सेल्स विल स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग. प्रोलिफरेट का मतलब आता है टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो. इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दैट द ग्रुप ऑफ सेल्स विल स्टार्ट गेटिंग एंड स्टार्ट एंटरिंग बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोडर्म, ठीक है. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव दिस ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर में है और ये वाला जो है वो एंडोडर्म है. सो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा. So, दो लाइनिंग बनेंगे इससे. कौन कौन से? तो फॉर्मिंग दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. तो इससे पूरा ऐसा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनना चालू हो जाएगा. मतलब मेसोडर्म भी कहां से बना है? मेसोडर्म इज फॉर्म बाय फ्रॉम द हाइंड एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क. हाइंड एंड मतलब पोस्टीरियर एंड, पीछे वाला एंड. तो वहां से ये बनना चालू हो गया है. थोड़ा आगे का स्लाइड दिखाता हूँ, बाद में आप लिखो. ओके, थोड़ा पहले समझ लो इसको ना. इट्स गोइंग टू फॉर्म द टू लाइनिंग. जो बाहर का लाइनिंग रहता है उसको नाम दिया पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, करेक्ट, विच इज क्लोज टू द ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट से नजदीक रहता है. एंड द वन विच इज क्लोज टू द एम्ब्रियोब्लास्ट दैट इज नोन एज विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियोनिक डिस्क. ये एम्ब्रियोनिक डिस्क के उसके बाहर का है ना. So these cells will not take part in the development of the embryo. तो इसका काम क्या रहेगा? तो parietal extra embryonic जो lining रहता है, it forms a lining of the trophoblast near the trophoblast, and visceral extra embryonic mesoderm will be present near the embryonic cells. So it forms a lining of the yolk sac and amniotic cavity. तो ये amniotic cavity है इधर. ये योग सैक है तो इनका लाइनिंग इसने बनाया, करेक्ट. तो ऐसा दो लाइनिंग बनना चालू हो गया. सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट टुगेदर नाउ दिस इज नोन एज, दोनों के बीच में जो कैविटी बनता है ये कैविटी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. तो अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन में प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिकली, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन सिलोम का पॉइंट पड़ा था. सिलोम मतलब कैविटी, बॉडी कैविटी. सो सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट, ए सिलोमेट और स्लो सिलोमेट ऐसे बताया था हम लोगों ने. तो सिलोमेट का मतलब क्या?
there is a cavity which is formed between the parietal extraembryonic mesoderm and visceral extraembryonic mesoderm. तो कैविटी को हमने नाम दिया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, राइट? तो ऐसा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनेगा एंड देन दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एंड दीज लेयर्स आर गोइंग टू फॉर्म द फर्दर स्ट्रक्चर्स। तो ये समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से ये बन रहा है? अभी मेसोडर्म कैसे बन रहा है सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? गुड। चलो अभी एक 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 लिखना चालू करो। Write down the heading as formation of the mesoderm and please write down all these points. First, चलो हो गया। वन मिनट सर। हाँ चलो गुड, शायद का हो गया होगा यहाँ। चलो आगे बढ़े। गुड, सो वी हैव सीन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ओके, नाउ अभी इनमें से ही दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, कॉल्ड एज कोरियन एंड एमनियन। वैसे दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो ये कहां से बनेंगे? अभी रेड कलर का जो लाइनिंग दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेड कलर का लाइनिंग इज विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ब्लू कलर का जो लाइनिंग दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। नाउ पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज क्लोज टू ट्रोफोब्लास्ट एंड विसरल एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म मेसोडर्म इज क्लोज टू द एम्ब्रियोनल सेल्स। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड हियर इज द कोरियन। तो ये कोरियन कहां से बनता है? सो कोरियन इज फॉर्म बाय द लाइनिंग ऑफ ट्रोफोब्लास्ट प्लस पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो मतलब ये पूरे लाइनिंग से इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा, मतलब टिश्यू बनेगा। दिस टिश्यू विच इज फॉर्म्ड हियर इज नोन एज कोरियन। पूरा कोरियन बनना चालू, करेक्ट? ऐसा कोरियन बनेगा। वेयर एज देर आर टू अदर लाइनिंग्स, कौन से? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन मोर लाइनिंग कॉल्ड एज एम्नियोजेनिक सेल्स, जो अंदर वाली ये वाली सेल्स, प्लस द विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये दोनों मिलकर बनेगा एक लाइनिंग दैट इज कॉल्ड एज एम्नियन। ओके,
सो यहां से अभी एम्यून सेल इतना ही बनेगा, इधर से इधर और इधर से इधर, बस इतना ही बनेगा, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन कोरियन जो बन रहा है वो पूरा बन, ओके, एम्यून सिर्फ इतने पार्ट पे बनेगा, इतने रीजन में कोरियन पूरा बनेगा। क्यों एम्यून उतना बनेगा? क्योंकि उतना ही रीजन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू फॉर्म द एम्नियोटिक सैक। ओके, सो ऐसा ये फेट रहेगा, दिस इज द फेट ऑफ दीज लाइनिंग्स। सो ट्रोफोब्लास्ट और पैराइटल एक्सट्रैग्रेनिक मेसोडर्म एक साथ बनकर मिलकर बनाएंगे कोरियन, और एम्नियोजेनिक सेल्स एंड विसरल एक्सट्रैग्रेनिक मेसोडर्म विल फॉर्म द एम्नियन। अभी ये पॉइंट लिख, डन। या आई वेटिंग। Finished. Raj and Rucha. Okay, sure. आगे बढ़ते हैं। Now, a typical vertical section of the late gastrula. अभी क्या हो गया ना? Develop होने लगा ना? तो late gastrula मतलब almost अभी embryo बनना चालू हो गया। Now, how this late gastrula will appear? Now here if you observe here, the innermost lining is known as the endoderm. तो ये बन गया। उसके बाजू में जैसे दो cavities बन रहे हैं, बराबर है। Now this one is the ectoderm. So you can see two different cavities are getting formed here. So this one is the ectoderm, जो थोड़ा endoderm के बाहर की तरफ रहेगा। And then we are going to have all these cells called as the mesoderm. तो mesoderm के भी दो lining है, कौन से? Parietal extraembryonic mesoderm and visceral extraembryonic mesoderm. तो उसी से mesoderm बनना चालू हो जाएगा। Now here we are going to have the amniotic cavity and here we are going to have yolk sac. Yolk sac is always going to be rudimentary. When I say rudimentary का मतलब क्या आता है? This is of no use, जिसका development में कोई काम होता नहीं है, और उसके पूरे बाहर से रहेंगे कोरियन, जो कोरियन हमने देखा एक्स्ट्रा एम्ब्रियन पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और किससे बना हुआ है? और बना हुआ है फ्रॉम द ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स। सो हियर वी आर गोइंग टू हैव द कैविटी सिलो, और ये पूरा क्या रहेगा? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है, दिस इज एंडोडर्म, सॉरी एंडोमेट्रियम। ओके, सो तीन लाइनिंग बनना चालू हो गया, और तीन लाइनिंग पूरी तरह से बन गए। कौन कौन से? पहले एंडोडर्म बना, फिर एक्टोडर्म बना, फिर मेसोडर्म। मेसोडर्म के दो लाइनिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऑलरेडी एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है, एंड दैट इज हाउ द कैविटीज विल बी फॉर्म। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ दिस थ्री जर्मलेस? तो तीनों जर्मलेस अपने अपने स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देंगे। तो कौन कौन से? So formation of different tissues and organs from germinal layers is known as histogenesis. Histos मतलब tissue या फिर जैसे organs. तो ये धीरे धीरे organs और organ systems बनाना चालू करेंगे from all the three germ layers. तो इसको नाम दिया है histogenesis. तो देखते हैं कि तीनों layers मतलब ectoderm से क्या बनेगा, mesoderm से क्या बनेगा, और endoderm से क्या बनेगा। पहले ये नाम लिख लो, हिस्टोजेनेसिस का डेफिनेशन लिख लो।
चलो अभी हम लोग फेट देखना चालू कर देते हैं ये सारे लेयर्स का। सबसे पहला आएगा एक्टोडर्म, क्या क्या बनता है देखो। एक्टोडर्म से बनेगा एपिडर्मिस, मतलब एक्टोडर्म से पूरा स्किन नहीं बन रहा है, करेक्ट, सिर्फ बाहर का लाइनिंग बन रहा है, दैट इज एपिडर्मिस। उसके बाद बनेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, बनेगा टूथ एनामल, मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ। देन कम्स द नर्वस सिस्टम, एंटायर नर्वस सिस्टम विल बी फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म। देन कंजंक्टिवा, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना, नॉट द एंटायर आई, लेकिन ये सारे लाइनिंग बनेंगे। देन हेयर्स एंड नेल्स, ठीक है, हेयर एंड नेल्स विल बी फॉर्म्ड बाय एक्टोडर्म। एड्रेनल मेड्यूला, पूरा एड्रेनल ग्लैंड नहीं, एड्रेनल कॉर्टेक्स अलग टिश्यू से बनेगा, एड्रेनल मेड्यूला अलग टिश्यू से बनता है, दैट इज एक्टोडर्म। प्लस स्ट्रोमोडियम, ओके, स्ट्रोमोडियम इज द पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव गट विच इज गोइंग टू फॉर्म द स्टमक, एंड प्रोक्टोडियम विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव गट विच इज गोइंग टू फॉर्म द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके लिए प्रोक्टोस, प्रोक्टो मीनिंग रेक्टम, सो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, स्ट्रोमोडियम, स्ट्रोमो मीनिंग स्टमक, सो ये माउथ रीजन और स्टमक रीजन, तो वो अपर रीजन एंड लोअर रीजन, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द part of the upper digestive system, this is going to form the part of the lower digestive system. So, ye pure alag alag structures ban rahe from the ectoderm. Write down this list. फिनिश्ड हो गया होगा तो बोलो जल्दी, टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव डन। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर, दैट इज यस, तो अपर रीजन ना जाहिर, इसके लिए तो मैंने बताया ना कि अपर digestive system मतलब up to stomach में भी, you know, so mouth region and procto meaning lower region, okay। Next is mesoderm, mesoderm से क्या क्या बनता है देखो, dermis, तो epidermis is formed by ectoderm, dermis is formed by the mesoderm, correct, तो skin दो अलग अलग tissues से बनता है, then all the muscles of the body which are attached to the bones, so voluntary muscles, so they will develop from the mesoderm, then the heart, blood and blood vessels meaning the entire circulatory system, so that will also develop from mesoderm. Then the lymphatic system, yeah, this goes parallel with, hand in hand with the circulatory system. Then the tooth dentine, enamel is formed by ectoderm, sorry, yeah,
enamel is formed by ectoderm and dentine is formed by the mesoderm. मतलब दांत भी दो अलग-अलग टिश्यूज से बनेगा. Then comes the kidneys. Then comes the adrenal cortex. Same middle is formed by ectoderm. Cortex is formed by mesoderm. Testes and ovary. And then the cilium, that is the body cavity. तो वो बताए हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा ही अभी. Extra embryonic parietal, extra embryonic mesoderm, visceral extra embryonic mesoderm. दोनों लाइन के बीच में कैविटी बनता है, so that cavity is called as cilium. तो ये भी बनेगा. Okay? चलो तो ये सब बनना चालू हो गया. देखो अभी धीरे 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 बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनना चालू हो गए. सो बाय द टाइम दिस स्ट्रक्चर्स आर गेटिंग फॉर्म, विल दिस एम्ब्रियो बी प्रेजेंट इन द एंडोमेट्रियम? नो. सो इट स्टार्ट्स कमिंग आउट. जैसे ही वो एंडोमेट्रियम से बाहर आएगा, इट विल रिक्वायर अनदर नरिशमेंट. सो नेचुरली देयर विल बी अनदर टिश्यू व्हिच डेवलप्स, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज प्लासेंटा. तो प्लासेंटा कैसे बनता है वो अभी इसके बाद हम लोगों को. प्लीज राइट दिस डाउन. ओके चलो हो गया. करण इज डन. राज एंड रुचा का भी हो गया. गुड. चलो नेक्स्ट द थर्ड लाइन. अच्छा मिडल ईयर भी बाकी. सॉरी मिडल ईयर के बोन्स है ईयर ऑसिकल्स, स्मॉलेस्ट बोन इन आर बॉडी. ये भी लिख दो मिडल ईयर. लास्ट वाला पॉइंट डन. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड लाइनिंग दैट इज एंडोडर्म, innermost lining. So इससे क्या बनेगा? Epithelium of the midgut. Midgut, correct? So like stomach and intestine, small intestine. Then digestive glands like liver and pancreas. Then tongue and tonsils. उसके बाद trachea, bronchi, lungs and larynx. So this is all formed by endoderm. Then thyroid, parathyroid and thymus glands. So this is also formed by the same. Urinary bladder, epithelium of the urethra. Then vagina and vestibule. ये हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है सब structures. इसके लिए मैं ज़्यादा detail में नहीं जा रहा हूँ. So these are all the structures which are formed by endoderm. And this is how the entire body will be formed. Okay? चलो लिख लो इसको फटाफट. एंडोडर्म से ही बनता है वो भी स्लीम.
चलो डन फिनिश गुड. तो इस तरह से बन गया पूरा बॉडी. अभी नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द प्रेगनेंसी. ओके अभी ये वाला जो पार्ट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू लर्न द एंटायर प्रोसेस ऑफ द प्रेगनेंसी बिकॉज वी एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप. सो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हियर इज नोन एज एमिनोरिया. ओके एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी. So pregnancy, which will have its own gestation period, which is also called as a gestation period, the condition of carrying one or more embryos in the uterus. Okay, and the period is right from fertilization is 266 days, and from the start of the last menstrual cycle, it's going to be 280 days. Okay, so last menstrual cycle, so menstrual period, it's called the LMP. तो LMP से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे इफ यू आस्क द फीमेल कि व्हाट वाज योर LMP एंड शी सेज कि शुरुआत कब हुई थी. सो इफ शी सेज से फॉर एग्जांपल 20th जून. सो फ्रॉम 20th जून यू नीड टू कैलकुलेट 280 डेज. करेक्ट. सो 280 डेज इज लाइक 9 मंथ्स एंड 9 डेज अप्रोक्सीमेटली. ओके सो जून से लेकर 9 मंथ्स. सो जून के बाद क्या आएगा जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. सो इट विल बी लाइक 20th मार्च और उसके ऊपर ऐड करने आपको 9 डेज. सो इट इज मोस्टली ऑन 29th और 30th मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल बी द ड्यू डेट. करेक्ट. तो इसका मतलब उस डेट पे डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द estimated time on date of the delivery. तो वो आपने को मिलता है from the last menstrual cycle. Calculate करते हैं तो that is 9 months and 9 days. और बाकी exact time और date तो हम लोगों को मिल जाता है from the ultrasonography. Right? So pregnancy or a gestation period is the condition of carrying one or more embryos in the uterus. From fertilization it is 266 days and from the start of the last menstrual cycle is going to be 280 days. Right? So this is called as the pregnancy. अभी pregnancy is like 9 months and 9 days, so it is equally divided to 3 parts or 3 months. So each section carries 3 months. So it's called as trimester. Tri meaning 3, mester meaning month. So first trimester, second trimester, and third trimester. So ऐसे 3 trimesters से 9 months and 9 days will be completed. तो वो कैसे होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. What are the changes which they take place in the female body? What are the changes takes place in the fetus? How the fetus develops? And then pregnancy is then eventually followed by the normal delivery. So how the delivery takes place? That we need to study. ठीक है. लेकिन वो आज हम लोग चालू नहीं कर रहे because my lecture is only till 5 o'clock. So we are going to start this entire mechanism from the next lecture onwards. And I'll try to complete this chapter next lecture. Okay. So thank you very much. Bye bye. See you. God bless you all. Stay home and stay safe. Bas ek lecture beta. Zahir tension. Zahir bore ho gaya abhi. Sab pad pad ke pad pad. I know mera lecture ek hi baar ho raha hai na hafte mein. Iske liye thoda sa takleef. Bas baaki kuch. See you. Bye bye. Good night. Enjoy.